Hello everyone, welcome back to my channel Learner's Point. So there is a biggest opportunity for everyone and salary structure is quite good. And यहाँ पर जो भी पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट इज 152 एंड जो भी पोस्ट रिलेट है वो रिलेट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट एंड प्रोफेसर के रिगार्डिंग. काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का एंड कोई एग्जाम जो है वो हेल्ड नहीं होगा. दैट मीन्स कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. क्वालिफिकेशन जो है इसमें अगर कोई पर्सन पोस्ट ग्रेजुएट है तभी भी वो अप्लाई कर सकता है. काफ़ी टिपिकल रिक्रूटमेंट है जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशन लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी जो है वो अनाउंस की है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से न्यू दिल्ली. एंड रिक्रूटमेंट जो है वो है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग. जो भी इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे डायरेक्ट बेसिस पे होंगे एंड परमानेंट पोजिशन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट जो है इन्होंने मैंशन की है. टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट इज 102 पोस्ट जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट है एंड परमानेंट पोस्ट है. टेक्निकल जो सब्जेक्ट है इसमें मेनली इंक्लूड किए हैं. लाइक इसमें आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. डिफरेंट कुछ अदर सब्जेक्ट्स है लाइक मैनेजमेंट मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट. देन नेक्स्ट एसोसिएट में भी इसी तरह से इन्होंने सैलरी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया है एंड सेम सब्जेक्ट है एंड टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी आर 38. एंड नेक्स्ट इज अ प्रोफेसर पोस्ट एंड प्रोफेसर पोस्ट के रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज आर 12. यहाँ पर इन्होंने कुछ अदर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग द कैटेगरी एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन की है. असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर ओनली बीटेक एंड अगर कोई पर्सन एमटेक है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है. फर्स्ट क्लास होना चाहिए इसमें. एंड नेक्स्ट इज अ साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर दैन इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद द 55% एंड नेट होना चाहिए. एंड अगर पीएचडी है कैंडिडेट 2009 के नॉर्म स्टैंडर्ड में तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है. नेट उसके लिए कंपलसरी नहीं है. एंड उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर में भी सेम क्राइटेरिया रहेगा. आपका बैचलर डिग्री एंड मास्टर्स जो है वो आर्किटेक्चर की फील्ड में होना चाहिए. फर्स्ट क्लास तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज प्रोफेसर नेक्स्ट जो वैकेंसी है आईईवी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट. एंड यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन में थोड़े से चेंजेस किए हैं. लाइक आप देख सकते हैं मेनली पोस्ट है आपकी इसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. सो एमबीए एमकॉम एंड आईसीडब्ल्यू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप सो फर्स्ट कंडीशन. एंड मतलब इसमें एक चीज़ है कि एंड ऑप्शन दिया है तो दैट मीन्स कि अगर आपका आपके पास डिप्लोमा है इन सब डिग्री के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अदरवाइज आपके पास मास्टर्स की डिग्री है इन द रेलेवेंट एरिया तब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. एंड इसके लिए स्कोर जो है एटलीस्ट इन्होंने मेंशन किया 60% होना चाहिए. एंड डिजायरेबल इनके लिए रहेगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट. नेक्स्ट इज एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पर पीएचडी जो है वो कंपलसरी है. एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए एंड मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज मैनेजमेंट. एंड सेम क्राइटेरिया रहेगा इसमें साइंस के फील्ड में भी. एंड नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर एंड आईईवी इसमें भी सेम ही क्राइटेरिया रहेगा. पीएचडी जो है इसके लिए कंपलसरी है. एंड नेक्स्ट इज अ प्रोफेसर पोस्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो 10 ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है मिनिमम एक्सपीरियंस. एंड अदर क्वालिफिकेशन जो है वो सेम रहेगी क्योंकि प्रोफेसर की पोस्ट है पीएचडी इज अ कंपलसरी. सो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है पोस्ट के रिगार्डिंग. देन इसके बाद में एलिजिबल क्राइटेरिया एंड एज लिमिट जो है वो इन्होंने मेंशन की है. एंड एज लिमिट के साथ आप देख सकते हैं एसोसिएट एंड असिस्टेंट एंड प्रोफेसर की पोस्ट के रिगार्डिंग उसी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं. एंड कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो भी गिवन है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग. देन उसके बाद में कुछ जनरल कंडीशंस जो है वो इन्होंने मेंशन की है लाइक न्यू पेंशन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होगी. एंड कुछ अदर क्वालिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जो है वो इन्होंने प्रोवाइड किया है लाइक नो टीएडीए
will be given to the candidate who appearing in the interview and जो भी process रहेगा इसमें online basis पे जो है आपको application के लिए apply करना है and hard copy जो है वो आपको भेजनी है और इसमें due date जो है last online application के लिए वो है 25th of April and then उसके बाद में आप जो भी अपनी self attested करके आप अपनी जो भी photocopies है all documents के साथ जो है वो आप भेज सकते हैं देन इसके बाद में कुछ अदर फीस का क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किया है एज पर द पोस्ट उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं एंड मैक्सिमम फीस का क्राइटेरिया जो है वो सेम ही है ऑलमोस्ट यहाँ पर इन्होंने सारी रजिस्ट्रेशन फीस प्रोसेसिंग फीस एंड टोटल अमाउंट जो है वो मेंशन किया है वो आप देख सकते हैं एंड लास्ट में इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है लाइक आपको कौन कौन सी जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करनी है जो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक जो है वो भी दिया है तो आप फुल वे में जो अपना चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है एंड कुछ जनरल गाइडलाइंस जो है वो दी है सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस ये है कि किस तरह से कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होंगे फॉर द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस एंड मैनेजमेंट के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा एंड यहाँ पर इन्होंने स्कोर जो है वो मेंशन किया है मैक्सिमम आप देख सकते हैं यूजी पीजी एंड पीएचडी एंड इसके अलावा जो है कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसके मार्क्स जो है वो एडेड होंगे एंड इनके कुछ अदर नॉर्म्स रहेंगे जो इस फुल पीडीएफ में इन्होंने क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया है आर्किटेक्चर के लिए अदर कुछ जो है इन्होंने चीज़ें स्पेसिफाई की हैं एंड नेक्स्ट इज अ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट इसके लिए भी इन्होंने अदर जो है एक परफॉर्मा बनाया है जिस तरह से आप अप्लाई कर किस तरह से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पूरा अपना स्कोर काउंट करके उसके बाद में आप जो है अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते सो एक जनरल डिटेल है इसमें वैसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है ये पीडीएफ तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जो है आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक कंडक्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इट मे बी हैपन और नॉट बी बट इट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी एंड जो भी इनके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होगा एंड एग्जम्पशन जो है वो भी गिवन है रिटर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग सो वो भी आप चेक कर सकते हैं मेन इनकी वेबसाइट पर जाके सो कुछ अदर क्लैरिफिकेशन भी प्रोवाइड किया है डिटेल में वो भी आप चेक कर सकते Thank you for watching this video.